जहां स्वतंत्रता दिवस को लेकर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो नाम क्या हुआ? मेरा नाम वर्षा है। आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम अपने देश के लिए यहाँ पे खड़े हैं। आप झंडा फहरा लिए? हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब अभी दो कोरोना के कारण तो यहाँ पे बहुत दिन से नहीं हो रहा था और आज दो साल के बाद ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर। हम लोग चार साल के बाद आए हैं। आप लोग चार साल के बाद आए हैं, 18 के बाद ही आए हैं। अच्छा, और 75वां साल है ना देश आज़ादी का, इसलिए हम लोग आए हैं। कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग देश आज़ादी के विषय में क्या कहें, जो भी कहें बहुत कम है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आके। चाहते हैं कि कोरोना खत्म हो जाए। जैसे कि इस बार तो स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये तो हमारे प्रधानमंत्री का है, श्रेय उनको देंगे जो कि इन्होंने ऐसा दिया भारत को। ऐसा तो 50 भी मनाया गया होगा लेकिन उसमें कुछ नहीं मना। ये सब जो कि हुआ है सब मोदी जी के कारण हुआ है, इसलिए हम लोग मोदी जी से बहुत खुश हैं। मजाक तो नहीं चल रहा है ना? आप लोगों को अगर कुछ देश के बारे में बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं। देश के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? हमेशा मौका नहीं मिलता है ना बोलने के लिए। हम क्या बोल सकते हैं? इतने सारे वीर महापुरुष जो करके गए हैं, जिसके वजह से आप यहाँ खड़े हैं, आज आज़ादी का वो उठा रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या हम कहेंगे? आप नहीं कहना चाहेंगे? चलिए ठीक है, धन्यवाद। यही कह रहे हैं कि 17 साल का नौकरी था हमारा, 4 साल का कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं देश के लिए? तो 40 साल में हम जान देंगे। लेकिन आप उसके थीम को तो समझिए, आपने उनके थीम को समझा? 4 साल को हम संवारेंगे, लेकिन उसमें जो फैसिलिटी दी जा रही है, जो बोल रहा है कि कुछ ना, सिर्फ 12 लाख रुपया सिर्फ रिटायरमेंट के बाद, उसे क्या किसी का पानी तुम्हारी है, किसी का कोई है घर बनाने के लिए, 12 लाख में क्या होगा? लेकिन उसमें ये भी तो कहा जा रहा है ना कि आपके पास अगर ऐसा कुछ क्वालिटी है जिसके कारण आपको रखा भी जाएगा, आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होगी तो आपको रखा जाएगा। और 12 लाख तो कोई बड़ी छोटी रकम तो नहीं होती है, आप उससे नौकरी कर सकते हैं। मेरा रुमान नहीं रहा। तो क्या सिर्फ एक ही काम है आर्मी? और भी तो बहुत सारे काम है ना। हम देश के लिए देना चाहते हैं जो। अब ये भी पैसे कोई मायने नहीं रखते है। 12 लाख यहाँ जो अग्निवीर निकाला है उसमें से 100% में से 75% उसको रिटायरमेंट कर देंगे, वो कहाँ जाएंगे फिर? 25% उनको रखेंगे तो 75% कहाँ जाएंगे? पैसे कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप अग्निवीर में ले रहे हैं तो आप एक फिक्स कीजिए कि इतने सालों के। लेकिन सरकार के थीम है, सरकार तो कुछ सोच करके ही करी होंगी ना। देखिए आज आप देख सकते हैं ना कि कितनी बेरोजगारी है यहाँ पर, हर किसी को मौका मिलना चाहिए ना, इतनी वैकेंसी नहीं है जो हर किसी को मौका मिल सके। तो सरकार तो सबके बारे में सोचेगी ना। आप 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तो किसी और को 4 साल के बाद मौका मिलेगा? नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं है। रिटायरमेंट वैकेंसी तो बहुत सारी है, बहुत सारी खाली है, हर चीज़ में, रेलवे में, इंडियन आर्मी में, बहुत सारी। ये नया जो रूल लाए हैं सरकार, वो बहुत मतलब हम ये बोलना चाहते हैं, पसंद नहीं है, ना पसंद है हर किसी को। प्रधानमंत्री का पोस्ट तो एक ही है ना, एक पोस्ट। तो हम सबको चाहे कि हम एक बार प्रधानमंत्री ज़रूर बने, ठीक है? तो सबको ऐसा मौका चाहिए, तो कम से कम 2 दिन के लिए हमको भी प्रधानमंत्री बनने का मौका दीजिए क्या? बोलिए, देखिए प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाह रहे हैं, कह दीजिए। प्रधानमंत्री से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर अग्निवीर के लिए 4 साल के लिए पोस्ट अगर हो सकता है, तो सब आदमी का एकदम ख्वाहिश रहता है कि हम कम से कम 1 दिन या 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री जरूर बने, ठीक है? तो हम भी बात प्रधानमंत्री तक जाएगी, ठीक है? और एक बात और, जो अग्निवीर 4 साल के लिए निकाले हैं, प्रधानमंत्री के लिए भी होना चाहिए कि लाइफ में 2 बार या 1 बार बनना चाहिए। और जो है जितना भी सांसद है, MP, MLA जो भी है, उनके लिए भी रूल होना चाहिए कि 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, सबके लिए। और पेंशन सारा का सारा बंद होना चाहिए। और आर्मी सबसे बड़ा है, जो देश की रक्षा करते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, उनका पेंशन आप बंद कर रहे हैं। और एक बार MP, MLA बन जाएंगे, जीवन भर उनको पेंशन मिलेगा, ये कहाँ का रूल रेगुलेशन है? ये नया कानून है, आप सब लोग राज करेंगे, हम लोग क्या जान लगा के देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं और 4 साल में रिटायरमेंट, ये कहाँ का इंसाफ है? कहीं का नहीं है। लेकिन ये तो रूल्स पास हो गए ना? पास हो गया, आप जबरदस्ती थोप दीजिए तो उसका क्या करेंगे? अब तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, पर हम लोग जहाँ तक हो सके विरोध करेंगे।
लेकिन आप लोगों को तो विरोध करना चाहिए था थोड़ा, मतलब ढंग से कि आप किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन आप लोगों ने तो सभी को सरकार चीज को हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन जो आप एक बात समझिए, जो देश की रक्षा करना चाहते हैं, जो देश की रक्षा करना चाहते हैं, वो देश की संपत्ति को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं, जला रहे हैं, किसी की गाड़ी जला रहे हैं, कोई ट्रेन जला रहे हैं। वो चीज़ गलत है, वो नहीं, जिंदगी बर्बाद कर दिया ना हम लोग का, तो पूरा जिंदगी ना। आप लोग को पता है कि आप लोग के खुद के बजट से ही इसका जो सटीक जवाब नहीं दे रहे हैं। इसमें जो युवा बेरोजगार है, इसमें इस छात्र का कोई संगठन नहीं है, सब अपने लिए जा रहा है। और इस उम्र में जो नौजवान है, ये एकदम चढ़ती जवानी पे है, ठीक है। और इस उम्र में कुछ भी हो सकता है, इस उम्र में क्या हो सकता है, इसका कोई जवाब नहीं है। अगर इसी में लेकिन हमारा तो मानना है कि अगर देश की रक्षा करना है, अगर आपको चाहिए वो वैकेंसी, अगर आप नहीं मानना चाहते हैं तो आप लोग तो शांतिपूर्वक करेंगे ना। तो शांतिपूर्वक तो करना चाह रहे हैं, लेकिन यही है कि अगर आप लोग, हो सकता है कि आप लोग अगर शांतिपूर्वक करते तो आप लोग की बातों को माना जाता, लेकिन आप लोग तो छात्र का तो ऐसा काम नहीं होता है कि वो ट्रेन को जलाए, किसी की संपत्ति को जलाए। किसान का जो नियम लागू किया, किसान कितना शांतिपूर्ण नहीं था, क्या था, 1000 किसान मरे, लेकिन वो तो वापस ले लिया गया ना। 1000 किसान जो मरे उनका कौन खामियाजा भुगतेगा, सरकार पीएम मोदी भुगतेंगे, इसका खामियाजा कभी नहीं भुगतेंगे। तो ये चीज़ है, जब तक आदमी सीधे सही तरीके से नहीं माना जाता तो टेढ़ा अपनाना पड़ेगा ना। लेकिन वो चीज़ गलत है, जो किया रेल जलाया, जो भी किया वो गलत चीज़ है, हम उसका समझ बिल्कुल गलत चीज़ है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। करते हैं।